गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने क्लास थर्ड का जो रिवीजन था यानी चैप्टर फर्स्ट मार्क ऑफ उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है नंबर्स, जिसमें आपकी बात होगी फोर डिजिट नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से राइट किया जाता है, किस तरह से रीड किया जाता है, वो सब देखेंगे। इसमें आपकी बात होगी फोर डिजिट नंबर की। फोर डिजिट नंबर मतलब वो भी हो सकता है जैसे 7962। इसमें आप जो डिजिट है कितने हैं, 4 है, 1 2 3 है, 4 वो भी नंबर हो सकता है, 2 0 6 0 ऐसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। अब उस नंबर को कैसे रीड किया जाता है और कैसे उसको लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर क्या होता है और 4 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक तो आपका क्या रहा, 1 डिजिट आ रहा है। 9 के बाद क्या आता है आपका, 10। 10 क्या है आपका, 2 डिजिट नंबर जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि चार क्लास वाला आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा यानी आप कह सकते हो द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी पहले सबसे छोटे की बात कर लिया, सबसे बड़े की बात करते हैं। तो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो आपका होगा 99 के बाद क्या जाता है आपका 100, और 100 में कितने डिजिट होते हैं आपके 3। तो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो आपका होगा 99। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखिए 99 तक तो आपका 2 डिजिट नंबर आ गया, 99 के बाद 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे यानी 100 से स्टार्ट होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 100। अब द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, वो होगा आपका 999, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1000, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, कितने डिजिट होते हैं आपके 4, तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जिसमें आपसे पूछा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा आपका 999। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 1000। एक चीज याद रखना कि जब भी कोई नंबर स्टार्ट होता है 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 999 और बाद में 0, ये 99 ही कहलाएगा आपका, ना कि 099। तो 0 से कोई भी नंबर कभी स्टार्ट नहीं होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं नंबरों कैसे रीड करते हैं। जैसे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे दीजिए 7 0 7 8 6 4, आपको ये नंबर दे दिया, आपको उसको रीड करके बताना है किस तरह से इसको रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए देखिए जो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, ये तो होता है आपका 1, ये होता है आपका 10, ये होता है आपका 100, होता है आपका 1000। इसके बाद आता है आपका 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore आगे चलता जाता है। लेकिन आपकी जो इस चैप्टर में बात हो रही है ओनली 4 डिजिट की बात हो रही है, तो हम 1000 तक की बात करेंगे। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो 7 क्या है, 1000 प्लेस पे है, ये सब क्या है प्लेस है, यानी 4 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, 6 आपका 10 प्लेस पे है, 8 आपका 100 प्लेस पे है, और 7 आपका 1000 प्लेस पे है। यहाँ से स्टडी के रीड करेंगे इसको 7864,
864। दूसरी टाइम इसको हम रीड करेंगे। तो बस आपको ये वंस जो प्लेस है इसके वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसलिए इसको रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी वंस, टेन, हंड्रेड और थाउजेंड, चार तक आपको फोर डिजिट तक ये बताया गया है चैप्टर में, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। आगे देख लेते हैं। जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपन चैप्टर देखते हैं, पेज नंबर आपका 10। आपको कह रखा है रीड द एबेकस एंड राइट द न्यूमेरल एंड द नंबर नेम, द फर्स्ट वन इज डन। यानी आपको एबेकस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम लिखने हैं। इसमें से आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो भैया आपको फर्स्ट नंबर बता देता हूँ, जैसे इसमें यह है एबेकस दिया हुआ है आपको, अब आपको इसमें से देख के नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखने कितने रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया आपका 8। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखेंगे इसमें आपको ओनली 1 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये आपका नंबर आगे, अब आपको उसको प्लेस देखना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए 5 कौन सा प्लेस है आपका, 1, ये आपका 10, ये आपका 100 और ये आपका 1000, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 8915, ठीक है, 8 9 100 15। कुछ इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। ऐसे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में आपके देखिए जो एबेकस दे रखा है उसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 4। मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप फर्स्ट में आपको रखा है 1 2 3 एंड 4, ये तो गया आपका 4 जो कि आपका 1000 प्लेस। फिर रखा है आपको 0 जो आपका है 100 प्लेस। फिर दे रखा है आपको 2 जो कि हो गया आपका 10 प्लेस। उसके बाद दे रखा है आपको 3 जो आपका हो गया 1 प्लेस, ठीक है। स्पेशल रीड करेंगे 4023। अब देखिए 0 आ रहा है इसमें, इसको ऐसे बोलेंगे 4023, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 0 को आप नहीं काउंट करेंगे, 4000 0 आ गया। अगर यहां पे कोई नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप करते 923 या 823 या 623, जो भी नंबर यहां पर आपको गिवन होता, बट यहां पर क्या है 0, तो आपको इसको रीड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है 4023। कैसे लिखेंगे इसको, 4023, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको पहले काउंट कर लेना है कितने हैं। जैसे इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट में है आपके 9, उसके बाद है आपका 0, फिर है आपका
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपका 9, और फिर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर दोबारा से आपका 9, वापिस आपका 9, 9, तो किसको कैसे पढ़ेंगे वापिस, देखिए आपको 0 आ गया आपका, इसको कैसे करेंगे, ये होगा कॉमन प्लेस, ये आपका 100, ये 1, 9099, तो आप इसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन में बी है उसमें आपको जस्ट इसका अपोजिट करना है, आपको नीचे नंबर दे रखे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर रिंग आपको शो करनी है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और टू आप खुद करेंगे अपनी बुक में, इस बुक में ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, जैसे इसको उल्टा है, आपको ये नंबर दे रखे हैं, आपको जो अभी रिंग बनी हुई है ऊपर वैसी रिंग आपको इसके अंदर बना के शो करनी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन और टू आपका ऐसे होमवर्क हो जाएगा जिसको आपको अपनी बुक में ही फिलअप करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, बस आपको प्लेस का ध्यान रखना है कि प्लेस किससे रखना है, 1, 10, 100, 1000 जो भी होता है आपका, स्टार्ट करेंगे आप 1000 से, फिर आपका 100 आता है, फिर आपका 10 आता है, फिर आपका 1 प्लेस आता है, इस प्लेस के अकॉर्डिंग इनको पहले सेट करना है और उसके बाद आपको इन पे नंबर शो करने हैं, इनके नेम लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सी में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको नंबर्स नेम वर्ड्स में दे रखे हैं, आपको क्या करना है न्यूमेरिकल्स में लिखने हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो आपको भी मैंने बताया क्वेश्चन 1 और 2 वो आप कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में, तो नेक्स्ट